कन्नौज में रोड एक्सीडेंट के बाद वापस लौटे संत कबीर नगर जिले के प्रभा देवी बीटीसी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने खलीलाबाद बाईपास पर जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे सदर विधायक दिग्विजय नारायण को छात्रों ने ज्ञापन देकर मृत छात्रों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की, साथ ही जबरन टूर के लिए वसूली राशि को वापस करने की मांग की। 8000 रुपया जबरदस्ती वसूल के हम लोगों से और बार बार धमकी यही दिया जाता है कि हम प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर पैसा नहीं देंगे। आप लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ था? जी कहाँ गए थे आप लोग, क्या हुआ था? हम लोग गए थे, हम लोग को 4 दिवसीय टूर जो है हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा था, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले गाड़ी में डीजल नहीं भराया गया और गाड़ी में डीजल खत्म हो गया और जो है आगे जा करके एक दूसरी गाड़ी से डीजल लिया जा रहा था। उसी दौरान एक जो है बस ने ठोकर मार दिया और उसमें 7 लोगों की जान चली गई। हमारी मांग यही है कि जिसकी जिसकी जान गई है उसको 20-20 लाख रुपया विद्यालय मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाए और जो है हम लोगों का टूर का पैसा वापस किया जाए, 8000 रुपया पूरा वापस किया जाए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? और हम पीएनपी से मान्यता मांग करते हैं कि विद्यालय प्रभा देवी हेडक्वार्टर के जितने भी विद्यालय हैं सबका जो है अपने कैंपस में परीक्षण चलाया जाए। फ्यूल लेने के चक्कर में सारी घटना हुई, जो भी बच्चों का आरोप है अगर सच्चाई होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने मृत छात्रों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घर वालों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संत कबीर नगर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।